जानवरों के क्यूट से फेस पर कभी संदेह नहीं करते, क्योंकि यही क्यूट से दिखने वाले अतरंगी जानवर अपने अलग अलग और अजीब कांड कब कहां पे कर दे कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, नहीं तो आप बड़ा पछताओगे। बकरियां या भेड़े हमेशा हेडशॉट देने का ही काम करती है, लेकिन ये वाली थोड़ी अलग है जो अपने पीछे वाले पैरों को उठाकर पूरे फार्म में चक्कर लगा रही है, जिसे देखकर बाकी भेड़ों का तो रिएक्शन ही बदल गया। सरक सरक उधर चले, जब तू लटक मटक लौंडों के दिल पटक। जैसे कह रही हो, ये तो नाक कटा के ही मानेगी बिरादरी का। सब क्या देखना पड़ रहा है, सरक उधर। अब यहाँ पे ये कुत्ता भाई खतरों का खिलाड़ी बनते हुए इस नाले को पार करने की कोशिश कर रहा है। इतना सब करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आखिर में कुत्ता भाई उस नाले में लुढ़क ही गया। बेबीज किसी भी जानवर के क्यों ना हो, उनमें मस्ती का कीड़ा तो होता ही है, फिर चाहे वो किसी पिगीज के बेबी ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये बेबी अपने मामा से ही पंगे लेने में लगा है और तनादन उस पर हमले किए जा रहा है। लेकिन ममा ने उसे उड़ा ही दिया, जिसके बाद वो बेबी भी बोल रहा होगा ममा तो बिग बॉस है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर इन शेरों ने इस बफेलो का शिकार किया था और डिनर की शुरुआत होने ही वाली थी कि तभी इनके झुंड में ही लफड़ा शुरू हो जाता है। डिनर गया तेल लेने, ये लोग तो अपने मस्ती में ही बिजी हो गए। इस वजह से बगल में बैठी बफेलो वहाँ से उठकर चली गई, जो कह रही हो तुम लोग लड़ते बैठो, मैं तो चली अपने घर। मराठी मार सा जागा हो बाबूया, मर्डर कर दो ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। अभी हम आपको दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट फाइट दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ये दो बिल्लियां आमने सामने खड़ी हुई है। इनमें से पहले वाली बिल्ली जैसे ही अपना हाथ फाइट के लिए आगे करती है, तब दूसरी बिल्ली उसके सर पर आशीर्वाद देते हुए कहती है, तू रहने दे भाई, तुझसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, रुक तेरे को बता दे। यहाँ पे ये डॉगी इस केज में बंद मुर्गियों को देखकर बड़ा शेर बनने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसके ओनर ने डॉगी को उसकी बहादुरी दिखाने के लिए मुर्गियों के पास ही छोड़ दिया, जिसके बाद शेर बनने वाला डॉगी अंदर जाकर चुप हो गया और अपने ओनर से खुद को बाहर निकालने की विनती करने लग गया। क्या करता रे तेरी तो, जानता मेरे को तो? मैं क्या करेगा बाबा, जान के तेरे को कि तू कौन है। आंखें मत दिखा, अबे हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। टीम वर्क की बात हो तो चीटियों को टीम वर्क के लिए ही माना जाता है, क्योंकि ये सभी मिलकर सारे काम जो करती है, लेकिन इनके इस टीम को बारीक से देखने के बाद कुछ और नजारा सामने आ जाता है। यहाँ पे ये तीन चींटी इस पेड़ के पत्ते पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से दो चींटियाँ एक के बाद एक नीचे खड़ी हुई चींटी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है और आखिर वाली चींटी बिचारी वहीं पर रह जाती है। वो मदद के लिए कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, जिसे ये लग रहा होगा कि कोई उसकी भी मदद करने के लिए आएगा, मगर वो दोनों चींटियाँ तो भाग गई। मगरमच्छ को दुनिया के सबसे फुर्तीले जानवरों में से एक माना जाता है, लेकिन इस क्लिप को देखकर तो कुछ और ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रोकोडाइल किनारे पर जाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो वहाँ नहीं जा पा रहा, क्योंकि भाई ने डिनर में कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा, इसे जरा एक्सरसाइज की जरूरत है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई। पता नहीं इन दो हाथियों में
ऐसा कौन सा मसला हो गया कि पहले वाले ने दूसरे को टक्कर देकर पानी में धकेल दिया। वैसे ये घटना काफी गंभीर है, लेकिन इसे देखने पर ये काफी फनी नजर आता है। अगर आप ये सोचते हैं कि जानवरों में जरा सभी एटीट्यूड नहीं होता, जब देखा करते रहता कैसा फिर मारने जाएगा तू, तो जरा आप इस क्लिप को देखिए जिसमें ये सारे लोग इस डोंकी को आवाज लगा रहे हैं और उसे शेक हैंड देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर डोंकी भाई तो अपने अलग ही स्वैग और एटीट्यूड दिखा रहा है, जिसने आखिर में मेहरबानी करके बाजू वाली लेडी को शेक हैंड ही कर लिया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि बंदर हम इंसानों से कितना पंगा लेते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा करने की बड़ी चुलजो होती है, लेकिन हम इंसान भी कुछ कम नहीं है साहब। यहाँ पर आईने के सामने बैठे मंकी कुछ खा रहा था कि तभी एक आदमी उसे एक टपली दे डाली, जिसके बाद इस बंदर को ये लगा कि उसे इस आईने में दिख रहे बंदर ने ही टपली दी हो। लेकिन इस मासूम को कौन समझाए कि भाई आईने में दिखने वाला हैंडसम मंकी वो खुद ही है। अरे कांदा के बंदर तेरी तो, अबे दूसरा कौन मार रहा है। जू में जानवरों को देखने जाने वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानवरों को देखकर खुद ही जानवर बन जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि अचानक से उनकी एक्साइटमेंट जग जाती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, इस जू में एक दीदी चिंपांजी को देखकर उसकी तरह नाचने लग जाती है, जिस वजह से अंदर बैठा चिंपांजी भी काफी खुश हो गया। यहाँ पे ये आदमी कैमरे में देखते हुए व्लॉगिंग कर रहा था कि उसके पीछे से एक बकरी आती है और उसकी रोटी चुरा कर वहाँ से निकल जाती है। अबे ऑफिसर के हाथ से बैग लाना है यार, ऑफिसर अबो। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।